हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज मैं आपके साथ अस्तर वाले प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक लिया है 2 मीटर और अस्तर वाला फैब्रिक भी मैंने लिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में रखा है, अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। ओपन पार्ट मेरी तरफ है और बंद भाग सामने की तरफ है। इस तरफ ये किनारी है तो हम किनारी की तरफ से 1/2 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। किनारी का पार्ट हम कटिंग में नहीं लेंगे। ऊपर से 2 इंच पे मार्क करेंगे इलास्टिक के लिए। स्केल की हेल्प से इन निशानों को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम पैंट की टोटल लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। मैंने 36.5 इंच पे मार्क किया है। जो भी हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हम मोरी में डिज़ाइन बनाएंगे इसलिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ से हम कमर की साइज़ के लिए मार्क करेंगे। जो भी हमारी हिप साइज़ होगी डिवाइडेड बाई 4 करके उसमें 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ हिप साइज़ है 40 इंच, उसका 4th पार्ट हुआ 10 इंच और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो 12 इंच होगा। क्रोच लेंथ के लिए भी मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच। स्केल की हेल्प से इन निशानों को जोड़ के एक स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ से बाहर की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से टोटल लेंथ मेजर करेंगे और उसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। यहाँ सेंटर पॉइंट है 7 इंच, तो हम किनारे की तरफ से 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हम मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो मोरी का हम रखेंगे 6 इंच, तो सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ मैंने 3-3 इंच पे मार्क किया है मोरी के लिए। अब हल्का सा कर्व शेप देते हुए इन निशानों को मिला लें। चारों पार्ट मैंने साथ ही कट किए हैं, फ्रंट और बैक का पार्ट मैंने अलग अलग कट नहीं किया है। ये हमारी मार्किंग हो गई है, अब इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। ये लाइनिंग के फैब्रिक पे मैंने कटिंग कर ली है, अब हम इसे मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, इसके ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रखेंगे और इसके बराबर से कटिंग कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। या तो आप सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं या फिर ग्लू की मदद से, मैंने ग्लू से इसे स्टिक कर लिया है। ये देखिए, ये लाइनिंग का पार्ट है और ये मेन फैब्रिक है। अब हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम आसन को सिलाई लगा लेंगे। तो ये दोनों फैब्रिक की राइट साइड अंदर की तरफ है और लाइनिंग वाली साइड बाहर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। ये एक तरफ के आसन पर हमने सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरे तरफ के आसन पर भी सिलाई लगा लेंगे। जो हमने गोलाई का शेप दिया था वहाँ तक हमें सिल लेना है। यह हमने दोनों तरफ के आसन पर सिलाई लगा ली है, अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। यह हमने एक तरफ की सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरे तरफ की भी सिलाई लगा लेंगे। यह हमने आसन को जोड़ लिया है और साइड की सिलाई भी लगा ली है, अब हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे। मोहरी के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसकी चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है मोहरी के बराबर। तो इसके लिए मैंने एक ढक्कन लिया है।
ऊपर से थोड़ा सा गैप रखते हुए हम इस ढक्कन को रखेंगे और हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये मोहरी के लिए मैंने डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है, अब हम इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। ये मैंने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और फैब्रिक के राइट तरफ इसे रखा है। इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेंगे। अगर आप चाहें तो बड़ी सिलाई लगा लें एक बार, ताकि सिलाई करते हुए ये हिलेगा नहीं कपड़ा। अब जो हमने डिज़ाइन ड्रॉ की थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर से टर्न करते हुए सुई को अंदर ही रखेंगे, इससे कोने अच्छे से निकलेंगे। ये पूरी डिज़ाइन पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम इसे जहाँ पर कोने हैं वहाँ पे हल्के हल्के कट लगा देंगे। इससे कोने अच्छे से निकलेंगे। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये मोरी को पलटकर मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसकी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह से एक मोरी को रेडी किया है उसी तरह से दूसरी मोरी को भी तैयार कर लेंगे। ये मोरी तैयार हो गई है। दोनों तरफ की मोरी रेडी होने के बाद हम सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके नेफे को फोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच और फिर 1.5 इंच, इस तरह से हम 2 इंच का नेफा फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा गैप रखेंगे इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। यहाँ से हम इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ है 26 इंच। पिन की हेल्प से हमें इसे इंसर्ट करना है। जो भी कमर साइज़ है उसका 3 से 4 इंच कम हमें इलास्टिक लेना है। तो यहाँ कमर साइज़ है 30 इंच, तो मैंने इलास्टिक लिया है 26 इंच। इलास्टिक के दोनों सिरों को एक दूसरे पर रखते हुए हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। 4 से 5 बार सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे।
अब इलास्टिक को अंदर करते हुए जो गैप हमने रखा था उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इलास्टिक को खींचते हुए हम सही कर लेंगे और एक सिलाई सेंटर में लगा देंगे। इससे इलास्टिक पलटेगा नहीं। ये हमारा प्लाजो पैंट बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।